हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. दिस इज क्लास सिक्स. और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन सेकंड द नाउन. प्रीवियस क्लास में हमने कल आपको नाउन की डिफिनीशन और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताया था. उससे आगे आ रही क्या स्पेल और इन्हें समझेंगे. व्हाट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और जो हमारे बुक में एक्सरसाइज है उसको भी आप फिल करेंगे. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर नेम देंगे. आगे क्वेश्चन आता है कि जो नाउन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, नाउन कितने होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताएं. एज आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन. देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन. दीज आर फॉलोइंग प्रॉपर नाउन. जैसा कि यहां पर लिखा हुआ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मीन्स क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा. तो जो प्रॉपर नाउन है वो एक पार्टिकुलर, एक विशेष व्यक्ति का नाम होगा. एक विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, जोनी, जेरी. तो ये हमारे क्या है? एक प्रॉपर नेम है, पार्टिकुलर नेम है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है, हम उसको उसके नाम से जानते हैं. ये हमारा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा. सेकंड में आपका कॉमन नाउन. कॉमन का मीन समझते हैं जाति, जो एक क्लास को बताती है. इसको बताती है, क्लास को बताती है, एक जाति के बारे में हमें बताती है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन. लाइक दैट, अभी हम कह रहे हैं बॉय, तो ये क्या है? लड़कों की एक जाति हो गई. गर्ल, ये लड़कों की एक जाति हो गई. मेन, आदमी, वुमन, औरत, ये क्या है? जाति हो गई. सब सिटी, शहर, बहुत सारे शहर हैं. और इसका मीन्स क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा. आगे आता है आपका कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन का मीन्स, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, कलेक्शन. किसी भी थिंग का एक कलेक्शन और उसका हम एक नाम दे देते हैं. किसी भी पर्सनों का एक ग्रुप हो या कलेक्शन हो तो उसको हम एक नाम दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. लाइक दैट, आप ग्रुप ऑफ पीपल हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? क्राउड. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, क्लास. क्राउड, क्लास, आर्मी. अ नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं तो अ नंबर ऑफ सोल्जर्स से क्या बनेगी? आर्मी. तो जो अ ग्रुप ऑफ या अ नंबर ऑफ पर्संस होते हैं, थिंग्स होती हैं, और उनको हम एक नाम दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. जैसा कि आपको नाम से ही जानते हैं, समूहवाचक संज्ञा. समूह को दिखाए, समूह, यू नो वेरी वेल, ग्रुप होता है समूह. आगे आता है आपका मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन का मीन्स क्या? पदार्थवाचक संज्ञा. दैट मीन्स सबस्टेंस. ऐसे सबस्टेंस जिनसे हम दूसरी थिंग्स, ऐसी थिंग्स जिनसे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन. लाइक दैट, मिल्क. मिल्क से आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो. वाटर, फ्लोर. और मटेरियल नाउन का मीन्स क्या? पदार्थवाचक संज्ञा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीन्स क्या? भाव. इट मीन्स जो चीजें हम एक भाव के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ईमानदारी, बचपन, गुलामी, स्लेवरी, लाइक दैट. यहां पे आपकी जो बुक है उसमें देखेंगे कॉमन नाउन दिया हुआ. सबसे पहले राइट डाउन फोर कॉमन नाउन्स. कोई भी कॉमन नाउन के, प्रॉपर नाउन के राइट करिए. ये क्या हमारा? प्रॉपर नाउन. आपको एटलीस्ट फोर आपकी बुक में
यहां पर ये बुक देख सकते हैं, यू कैन लुक हियर, 4-4 आपको फिल करने हैं। कॉमन नाउन के लिए आपको सच है, मैंने अभी आपको बताया था क्या है, सिटी, बॉय, गर्ल, सिटी बॉय गर्ल, डॉक्टर। कलेक्टिव नाउन क्लास, आर्मी, फियर, क्राउड। मटेरियल नाउन वॉटर, गोल्ड, सिल्वर, वॉटर गोल्ड सिल्वर। मटेरियल नाउन हो गया ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, फ्रेंडशिप, got it। इस तरह से आपके पास ये जो बुक है उसमें आप फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ बिल्कुल लिख दिया, कल हम आपको इनकी डिफिनेशंस दिखाएंगे, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इससे आपको अच्छे से समझ सकते हैं। राइट डाउन इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में इसको राइट करना है, और फिर नोटबुक आपने बना ली होगी, फिर नोटबुक कंप्लीट करें और ये राइट करें, लर्न करें। थैंक यू।